महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट की खबरें अभी शांत ही होती नजर आ रही थी कि बुधवार रात को अचानक ट्विटर पर धोनी के रिटायरमेंट की खबरें ट्रेंड करने लगी। हैशटैग धोनी रिटायर्स टॉप ट्रेंड में आ गया। ऐसा लगा कि लॉकडाउन के दौरान ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान क्रिकेट से विदा ले लेंगे, पर जल्द ही उनकी पत्नी साक्षी ने मोर्चा संभाला और धोनी की रिटायरमेंट की खबरें उड़ा रहे लोगों को करारा जवाब दिया। हालांकि बाद में साक्षी ने वो ट्वीट अपने हैंडल से डिलीट कर दिया। अब इसकी वजह क्या है ये तो साक्षी खुद ही बता सकती है। हालांकि इससे धोनी के रिटायरमेंट पर सस्पेंस और बढ़ गया। दरअसल आपको बता दें, धोनी ने बीते साल जुलाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के बाद से कोई मुकाबला नहीं खेला है। इसके बाद से ही क्रिकेट जगत में उनके करियर को लेकर अटकलें लगना शुरू हो गई थी। वहीं आपको बता दें, साक्षी ने सब खबरों को फेक बताया। उन्होंने बड़ा बयान देकर धोनी के संन्यास को लेकर चल रही अफवाहों को विराम देने का काम किया। उन्होंने कड़े शब्दों में ऐसी खबरें फैलाने वालों पर निशाना साधा। साक्षी ने ट्वीट किया, ये सब सिर्फ अफवाह है। मैं समझ सकती हूँ कि लॉकडाउन ने लोगों को मानसिक रूप से अस्थिर कर दिया है। हैशटैग धोनी रिटायर ट्वीट करने वालों, जाओ अपना काम करो। कुछ महीने पहले भी सोशल मीडिया पर धोनी के रिटायरमेंट की खबरें ट्रेंड हुई थी, तब भी साक्षी ने इनका खंडन किया था। अब एक बार फिर से ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि धोनी या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बुधवार को अचानक एक बार फिर धोनी के रिटायरमेंट की खबरें उड़ने लगी। लोग धोनी के करियर को लेकर ट्वीट करने लगे, कुछ लोग इमोशनल भी हो गए। लेकिन इस सब के बीच साक्षी ने मोर्चा संभाला और ऐसी खबरों को कोरी बकवास बताया है। एलडी न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।